खबर रीवा जिले के त्योंथर से है, जहां रविवार को जनेह थाना के भोरा गांव में विद्युत करंट के चपेट में आने से आउटसोर्स कर्मचारी की मौत के मामले में परिजनों द्वारा ग्रामीणों के साथ एक बार पुनः चंद्रपुर चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है। परिजनों की मांग है कि परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के साथ ही एक नौकरी व अनुमति के पश्चात भी मेंटेनेंस कार्य के दौरान लापरवाहियों से चालू हुए विद्युत सप्लाई के दौरान संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण एवं परिजनों की मांग है कि मौके पर रीवा कलेक्टर आए और उनके दुख दर्द मांगों को सुने। आपको बता दें कि बीते दिन मौके पर क्षेत्र के तहसीलदार, विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारियों द्वारा वार्तालाप की गई थी, परंतु परिजन उनके आश्वासन पर संतुष्ट नहीं हुए थे, जो कि कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। चंदपुर के सब वीडियो बना लगा है। जांच के लिए ये भी प्रावधान रख रही थी, परमिट लेकर आया था, बिना परमिट काम नहीं कर रहा। गांव बता रहा है कि ये लो आए फिर लाइट बना रहे पूरे गांव का, परमिट गैर लिए काम ही नहीं करता, कभी काम नहीं। सवारा वाले होते हैं आप, राजा सर की बात कर रहे हैं, गाड़ी पर फिल्म है, राजा तो गाड़ी नहीं होता। हां रेही पर फिल्म है, रेही पर खिलाइया नहीं, चंद्रपुर सर्किल गढ़ी सर्किल। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।